हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एक EC2 मशीन को, किसी भी एक वर्चुअल मशीन को हम रन कर सकते हैं यूजिंग AWS क्लाउड। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ आए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको इंग्लिश में दिक्कत होती है समझाने में, तो इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ आए कि किस तरह एक वर्चुअल मशीन को हम स्पिन अप कर सकते हैं AWS क्लाउड के अंदर। इसके बाद मैं आपको अज्योर में भी सिखाऊंगा कि किस तरह हम अज्योर में एक VM को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस तरह इस वर्चुअल मशीन को बनाएंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी अपने AWS कंसोल में लॉग इन कर लिया है। तो जैसे ही आप AWS कंसोल में लॉग इन करेंगे, तो आपको सबसे पहले मैं आपको होम पेज पर दिखा रहा हूँ किस तरह आप जाते हैं होम पेज पर। उसके बाद आप देख सकते हैं मुझे EC2 अगर स्पिन अप करनी है तो मैं यहाँ सिंपली टाइप कर सकता हूँ EC2। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर EC2 का आपको एक टैब मौजूद है, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया EC2। अभी मेरे पास कोई भी रनिंग इंस्टेंस नहीं है, मतलब कोई भी वर्चुअल मशीन मेरी चल नहीं रही है। मे बी स्टॉप और टर्मिनेट स्टेट में तो हो सकती है, बट अभी यहाँ रनिंग इंस्टेंस कोई नहीं है। मैंने यहाँ दो VMs पहले से बना रखी हैं जो कि मैंने स्टॉप स्टेट में है। स्टॉप स्टेट में इसलिए रखी हैं क्योंकि अगर मैं इनको ऑन रखूँ, कोई काम ना करूँ, तो फालतू में चार्जेस ना जाएं, इसलिए मैंने इनको स्टॉप कर रखा है। लेकिन इसमें हम एक ब्रांड न्यू VM बनाना सीखते हैं किस तरह। सबसे पहले हम एक लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें 7 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमें ये VM बननेगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम कोई भी एक VM चूज़ कर सकते हैं, जैसे आप हमें प्री रिफाइंड दी हुई हैं अमेजन, रेड हैट, सूस, उबंटू। और आप देख सकते हैं इनके साथ फ्री टीयर है, मतलब हमारा कोई भी कॉस्ट इसमें नहीं लगेगी अगर हम फ्री टीयर में यूज़ करते हैं। बाकी भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका बिल जाएगा। तो सपोज़ कीजिए मैं एक कौन सी एक इसमें हम एक उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं, उबंटू मशीन, तो हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमसे ये पूछ रहा है कि हमें मशीन में कितनी VCPUs होनी चाहिए, कितनी मेमोरी होनी चाहिए, हमारा कितना EBS हमें रखना है। लेकिन अभी आप पता है कि मैं आपको एक फ्री टीयर में बता रहा हूँ, तो फ्री टीयर में हमें एक ही अवेलेबल होती है, वो है T2 Micro, जिस पे हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो थर्ड स्टेप है हमारा कि हमारे हम कितने कितनी हमें इंस्टेंस चाहिए अभी अपने। सपोज़ कीजिए मुझे तो अभी एक ही इंस्टेंस चाहिए, तो मैं एक, अगर आप दो चाहते हैं तो आप यहाँ दो लिख सकते हैं, मैं अभी एक ही चल रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है परचेजिंग ऑप्शन, स्पॉट इंस्टेंस, मतलब आपको अगर स्पॉट इंस्टेंस लेते हैं तो आपको थोड़ा एट प्रेजेंट आपको किस इसकी 4 टाइप्स होते हैं इंस्टेंस के, किस तरह आप लेना चाहते हैं, ऑन डिमांड है, स्पॉट है, रिजर्व्ड है, तो चीज़ें मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। इस टाइम मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, किस VPC में है। अब VPC डिफ़ॉल्ट VPC हमें एक अमेज़न प्रोवाइड करता है, जो हमें एट प्रेजेंट तो हमने कोई VPC भी बनाया नहीं है, तो हमें डिफ़ॉल्ट VPC ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ किया। कि सबनेट भी आप लेना चाहते हैं, कोई भी आप अवेलेबिलिटी जोन में ले सकते हैं, यहाँ पर तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप बाकी सारे ऑप्शन को आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आप यहाँ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके हम इस पे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर किसी भी आप मशीन को अगर हमें रन करना है तो उसके साथ कोई ना कोई एक वॉल्यूम ज़रूर अटैच होती है। तो आप देख सकते हैं इस मशीन के साथ में हमें एक बैक EBS वॉल्यूम मिलती है जो कि 8 GB की है। इसके अलावा अगर आप एक नई वॉल्यूम जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन 8 GB हमारा काम हो जाएगा जिसमें हमारा सारा OS लोड होगा। कोई टैग देना चाहते हैं आप, मतलब आप कोई नाम देना चाहते हैं, सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ एक नाम देना चाहता हूँ कोई भी मशीन को, नेम, एक वैल्यू, कुछ भी दे सकते हैं। सपोज कीजिए हमारी उबंटू मशीन है, तो मैं उबंटू टू आपकी जगह उबंटू मशीन नाम दे सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। आप एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप टाइप का आपका फायरवॉल है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसमें इनबाउंड या आउटबाउंड रूल्स आप क्या रखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे मशीन में आप SSH करना है तो पोर्ट 22 बाई डिफ़ॉल्ट ओपन ही है, तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रुप का नाम देख सकते हैं, जैसे कि हम दे सकते हैं उबंटू VM। यहाँ भी आप देख सकते हैं उबंटू VM। ठीक
कि अगर हमें ऐसे सर्च करना है तो उसके के लिए पोर्ट 22 हमेशा ओपन रखना होता है। अगर आप कोई और पोर्ट करना चाहते हो लोकल होस्ट पे तो आप पोर्ट 80 भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ ऐसे सर्च करेंगे, मतलब हम अपनी वीएम के अंदर डायरेक्टली हम उसके अंदर टर्मिनल में घुस के हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम SSH के थ्रू कर सकते हो, और ये बाई डिफ़ॉल्ट ओपन है पूरे IP पे, क्योंकि मैंने IP का कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं दी है। इसके बाद हम रिव्यू लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी डिफाइंड स्टेप्स दिए हैं वो आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, जितने भी आपने दे रखे हैं। तो सीधा मैं इसको भी लॉन्च कर देता हूँ। अब एक लॉन्च करने के बाद ये आपको एक की पेयर बोल रहा है जो कि डॉट पैम फाइल होती है। डॉट पैम फाइल क्या होती है, जिसके अंदर आपका सारा एक कह सकते हो एक सिक्योरिटी है, क्योंकि अब देखिए ये वर्चुअल मशीन आपकी ओपन है, हर पब्लिक है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, बट आप भी तो चाहेंगे ना कोई बिना पासवर्ड इसको यूज़ ना करे। तो उसके लिए ये एक डॉट पैम फाइल है जो एक ही बार आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके थ्रू, और उसके बाद अपने कहीं भी सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं, और जब भी आप वीएम को ओपन करना चाहेंगे तो AWS हमेशा आपको वो पैम फाइल मांगेंगे। सपोज़ कीजिए मैंने तो पहले से सेव कर रखी है, तो मैं एक न्यू की फाइल जनरेट कर देता हूँ Ubuntu नाम से, Ubuntu VM नाम से, और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरे डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर PC में, और जब भी मैं इसको लॉन्च करूँगा तो AWS मुझसे हमेशा पूछेगा कि आपकी पैम फाइल बताइए मुझे, आपने किस तरह डाउनलोड की है, कहाँ पर स्टोर है, और उसको हमें एक्सेसिबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। तो लॉन्च इंस्टेंस हो गया है, तो हम अपना इंस्टेंस देख सकते हैं, अभी व्यू कर सकते हैं कि क्या हमारी मशीन देख सकते हैं, हमारी थर्ड मशीन जो है Ubuntu मशीन यहाँ पर रन हो रही है हमारी। अभी इसको काफ़ी या 2 या 3 मिनट लगेंगे सिर्फ रन होने में। तो इसका वेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका इनिशियलाइजेशन हमें एक पब्लिक IP हमें यहाँ एक्सेसिबल हो चुका है। तो आप इस IP को आप डायरेक्टली मशीन में SSH करने के लिए, क्योंकि Ubuntu मशीन है तो मैं टर्मिनल में जा, अगर आप चाहें तो विंडोज़ मशीन भी बना सकते हैं, कोई भी मशीन बना सकते हैं आपके ऊपर है। अभी मैं आपको सिर्फ एक SSH करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह मशीन में SSH करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दिया है। इसके बाद हम तो अब हमें घुसने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 2-3 स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर इधर आप पुट्टी के थ्रू कर सकते हैं, SSH या एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड से सिखा सकता हूँ कि किस तरह आप मशीन के अंदर डायरेक्टली आप टर्मिनल में जा सकते हैं। तो मैंने यह पब्लिक IP कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल है जो कि एक SSH टूल है। तो यहाँ मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लूँगा, न्यू यहाँ पर न्यू सेशन में जहाँ पर है वहाँ पर आप एक IP कॉपी कर दें। उसके बाद आप कनेक्ट करें मशीन को, उसके बाद आप क्लिक करें एक्सेप्ट एंड सेव पे। तो आपसे ये मशीन का लॉगिन नेम पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मशीन का लॉगिन नेम क्या है। अगर आप मशीन को कनेक्ट करेंगे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन्होंने भी आपको 3-4 मेथड्स दिखा रखे हैं किस तरह आप स्टैंड अलोन SSH क्लाइंट जो कि कर सकते हैं डायरेक्टली पुट्टी के थ्रू, मैं आपको वो भी बताऊँगा अभी, सेशन मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जब एक EC2 इंस्टेंस कनेक्ट देखेंगे तो आपको एक नाम दिखेगा Ubuntu। तो इस मशीन का नाम हमें Ubuntu ही लेना है इसको सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर एक्चुअल में लेने के लिए। तो यहाँ पर हम Ubuntu सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे ये पैम फाइल पूछ रहा है कि आपने पैम फाइल कहाँ स्टोर कर रखी है। तो मैं यहाँ पर पैम फाइल अपनी ब्राउज कर लूँगा फाइल में, तो यहाँ डाउनलोड्स में आपको एक फाइल मिल जाएगी Ubuntu PAM जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, उसके बाद सेलेक्ट करके हम ओके कर लेंगे। तो ये देखिए हम अपनी मशीन के अंदर आ चुके हैं, ये रूट वॉल्यूम के अंदर अब हम आ चुके हैं। अब देखना चाहे तो हम PWD कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं भी अपनी मशीन के अंदर हूँ जिसके अंदर है होम Ubuntu के अंदर हूँ। तो आप कोई भी कुछ भी आप कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई मुझे डायरेक्टरी बनानी है, कुछ भी करनी है तो आप कर सकते हैं।